हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप इंस्टाग्राम स्टोरी में फोटो लगाते हैं तो फोटो पर आप कैसे न्यू पोस्ट का सिंबल लगा सकते हैं, जिसे कहते हैं स्टिकर। ये कई प्रकार का होता है, अगर आप भी लगाना चाहते हैं अपने फोटो इस पूरे वीडियो केयरफुली देखते रहेगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर जो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर फॉलो कर लें, या मेरा यूजर नेम टेक बाय दीपक सैमसन जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी में फोटो पर व्यू पोस्ट का स्टिकर लगाएंगे। उसके लिए चलेंगे हम इंस्टाग्राम में। जैसा देखिए, मेरा इंस्टाग्राम खुल चुका है। यहाँ पर मैं दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले गैलरी से लगाने के लिए, उसके बाद मान लीजिए आप अपलोड किए होंगे अपने प्रोफाइल में किसी फ़ोटो पर लगाना चाहते हैं तो वो भी बताऊँगा। जैसे मैं इस फ़ोटो पर लगा कर अभी दिखाऊँगा इस पर। तो चलिए हम बताते हैं, सबसे पहले हम इसी का ही बता देते हैं, उसके बाद गैलरी वाला बताऊँगा। जैसा कि मान लीजिए आप फोटो अपलोड कर दिए होंगे, उस पर आप लगाना चाहते हैं तो उस फोटो पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर आ चुका है, एक बार फोटो क्लिक करेंगे इस तरह हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथ से पकड़ के इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसे अपने हिसाब से आप सही कर सकते हैं। देन अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर से सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन देखिए इतना कलर आ गया है, जिस भी कलर का आप बैकग्राउंड चाहते हैं उस कलर का हो जाएगा। तो चलिए मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक पे क्लिक करूँगा। देन आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा इस पे बैकग्राउंड पे, देखिए ब्लैक हो गया। अगर आप कोई और कलर चाहते हैं उस पे क्लिक करेंगे, देन फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे, देखिए चेंज हो गया। देन आप डन पे क्लिक करेंगे। अब चलिए बताते हैं कैसे आप व्यू पोस्ट का स्टिकर लगाएंगे। ऊपर से थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे व्यू पोस्ट या न्यू पोस्ट भी लिख सकते हैं। तो चलिए न्यू पोस्ट ही लिखते हैं। देन सर्च कर देंगे, नीचे देखिए इतना ज़्यादा आ गया है, देखिए इतना है, कोई भी एक लगा लेंगे। तो चलिए एक लगा कर आपको दिखाते हैं, कोई भी इसी को ही लगा लेते हैं, इसको बड़ा कर देंगे। इससे फ़ायदा रहता है, मान लीजिए आपका कोई फ़ोटो देखना चाहता है तो आपके प्रोफाइल में जाकर देखेगा, यहाँ से नहीं देख सकता है, यही फ़ायदा रहता है। इसके बाद सेंड टू पे क्लिक करेंगे। देन योर स्टोरी शेयर पे क्लिक कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपके स्टोरी पर लगना स्टार्ट हो गया है, चलिए दिखाते हैं आपको। स्टोरी पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर लग चुका है। अब चलिए बताते हैं गैलरीज किसी फ़ोटो पर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए कैमरा है, कैमरा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में नीचे गैलरी है, गैलरी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई एक फ़ोटो चूज करते हैं, इसको ले लेते हैं, सबसे पहले इसे डिलीट कर देंगे। फिर उसी पर जाएंगे थर्ड वाले ऑप्शन पर, यहाँ वही सर्च करेंगे व्यू पोस्ट, अब सर्च करेंगे। चलिए व्यू पोस्ट सर्च करते हैं, नीचे देखिए इतना ज़्यादा आ गया है, व्यू पोस्ट चाहे व्यू है या कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर न्यू पोस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे। देन फिर रिसीव जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब जिसको भी आपका फ़ोटो देखना रहेगा वो आपके प्रोफाइल में जाएगा तब देखेगा। इसके बाद सेंड टू फिर क्लिक करेंगे, योर स्टोरी शेयर पर क्लिक करेंगे, डन। ये भी देखिए लग गया, जैसा देखिए लग गया है। इस तरह आप भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे फोटो जब अपलोड करते हैं तो व्यू पोस्ट लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन उसको दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।